गुड मॉर्निंग अभी सुबह के तकरीबन कोई सात साढ़े सात बज रहे एंड आज ये मेरा पहला व्लॉग है एंड आज मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरा दिन शेयर करूँगी कि मैं क्या करती हूँ किस तरह से अपना दिन स्पेंड करती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सबसे पहले जो मैं सारे दिन में चीज़ लेती हूँ वो है पानी और नीम गर्म पानी और एप्पल साइडर विनेगर एप्पल साइडर विनेगर और नीम गर्म पानी जो है वो स्ट्रॉ स्ट्रॉबेरी ग्लास में लेने का मकसद ये होता है ताकि जो एप्पल साइडर विनेगर है वो आपके दांतों को ना लगे उसके बाद एक चीज़ जो मुझे सारा दिन एनर्जेटिक रखती है दैट इज़ माई ब्लैक कॉफ़ी और पहले तो मैं बहुत लेती थी थ्री टू फोर कप्स लेती थी अभी मैंने फिर कम कर दिया जब मुझे पता चला है कि उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं तो ये है कि अब मैं दो कप तो ले लेती हूँ मिनिमम एक कप तो मैं ज़रूर सुबह के टाइम पीती हूँ जो मुझे सारा दिन एनर्जेटिक रखता है बूस्ट करता है एनर्जी को ये अब कुछ थोड़े से विंटर्स के कपड़े हैं जो कि अभी धोबी के पास जाने हैं और ये मैंने वॉश किए थे तो ये बीच में रह गए थोड़े से तो ये अभी मैं पाइल अप कर रही थी कि मैं इन्हें धोबी के पास भेजूंगी ताकि ये स्त्री के आएँ और फिर मैं इनको सब विंटर्स के लिए बंद कर दो मैंने एक जोड़ा मंगवाया था सफ़ायर से ऑनलाइन तो वो कल मैंने उसको श्रिंक किया तो आप देख सकते बहुत अच्छा है प्रिंट इसका मुझे बड़ा अच्छा सा लगा था फंकी सा आप घर के लिए बड़ा अच्छा है तो और बहुत रीजनेबल है हार्डली सिक्सटीन फिफ्टी का था आई थिंक और कलर भी बहुत प्यारे से और उसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है मैं आपको इसका दुपट्टा खोल के दिखाती हूँ इसका दुपट्टा बहुत प्यारे प्रिंट में वाइट कलर का और आ, उसमें वही सारे कलर्स हैं जो कि शर्ट में हैं बट थोड़ा सा डिफरेंट प्रिंट के साथ है तो ये इसका दुबट्टा है और दुबट्टा क्योंकि मैं श्रिंक नहीं करती शर्ट मैंने श्रिंक कर दी थी तो इट इज़ गुड फंकी कलर है मज़े का लगेगा फॉर दिस समर तो मुझे था कि मैं इसको श्रिंक वरना मैं नॉर्मली जो है वो स्टिचडी कपड़े लेती हूँ तो मुझे तो चले घर के लिए कुछ मैं एक दो जोड़े मंगवा लेती हूँ ताकि वो फिर आप टेलर से सिलवाते असल में मुझे टेलर के पास जाना और ये झंझट बड़े बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं टुडे आर बी यूजिंग दिस मास्क कि मैंने दराज से मंगवाया था आप सबको मैंने पहले दिखा भी चुकी हैं अपने दूसरे चैनल पर तो ये आज मैं यूज़ करूँगी और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसका रिज़ल्ट uh, क्या था सो so व्यूअर्स अभी सुबह के तकरीबन कोई ग्यारह साढ़े ग्यारह बज रहे हैं और मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि आज जुम्मा है और सबकी छुट्टी आप लोगों को पता है कि जल्दी हो जाती है तो जल्दी खाना बनाना होता है क्योंकि एवरी वन इज़ हंग्री वन आर होम तो मैं चावल बना रही हूँ असल में मैंने कल बनाए थे लोबिया तो रेड किडनी बीन्स जो होते हैं वो मेरे बच्चे जो है ना उसको यानी कि एक दिन वो नॉर्मल खा लेते हैं नेक्स्ट डे दे आर आस्किंग के उसे चावलों में डाल दें तो ये वो लेफ़्ट ओवर लोबिया है और उसे मैं चावलों में डाल के तो उनके लिए लोबिया का एक यू कैन से लोबिया चावल बना रही तो इसकी ये है कि रेसिपी तो खैर फिर नेक्स्ट टाइम इफ़ आई इफ यू वांट आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें तो फिर मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी भी दे दूँगी कि कैसे वैसे इट्स वेरी सिंपल आपने जो लेफ़्ट ओवर है आपने उसको इस तरह प्याज फ्राई किया और उसमें डाल के चावल डाले और दाम दिया जैसे नॉर्मली लोगों को आते हैं इस तरह चावल बनाने सो इट्स अ सिंपल रेसिपी इफ़ यू आर हैविंग समथिंग लेफ्ट ओवर यू कैन गो केट लाइक दिस खाने के साथ चावलों के साथ मैं बच्चों के लिए चटनी बनाने लगी हूँ और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी क्योंकि आगे भी रमज़ान आने वाली है तो आप लोगों को ये हैंडी रहेगा और ये आप बड़े आराम से बना के फ्रीज़र में क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं सो so, व्यूवर्स आपने देखा कि ये चटनी मैंने डिफ्रॉस्ट कर दी है माइक्रोवेव में और ये योगट है जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ ये योगट बहुत ही थिक बहुत ही क्रीमी होता है बिल्कुल क्रिक योगर्ट की तरह होता है मैं इसको खोल के इसका टेक्सचर भी आपको दिखाऊंगी एक्चुअली द सील इज़ वेरी यू कैन कि हार्ड टू ओपन तो मैं इसको खोल के कट करके खोल के आपको दिखाऊंगी और दो क्यूब्स मैंने लिए हैं तो दो से तीन चम्मच में जो है ना दही के खेलूँगी और ये दही बहुत गाढ़ी होती है अगर आप में से बहुत से लोगों ने ग्रीक क्यों खाया होगा ये बिल्कुल वैसी होती है इसका टेस्ट भी वैसा होता है एंड बहुत थिक होती है तो ये जो चटनी की रेसिपी है क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे क्यूब्स पड़े हुए हैं तो अभी अगर आप लोग ये रेसिपी चाह रहे हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन ज़रूर कर दें तो मैं आप लोगों को बनाना सिखा दूंगी ये रेसिपी बहुत अच्छी है रमज़ानों के लिए आपने सिर्फ इसमें नमक और लाल मिर्च शामिल किया और इसको मिक्स कर लिया हाँ ये है क्योंकि ये दही बहुत गाढ़ा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करूँगी क्योंकि बहुत गाढ़ी किस्म की जो चटनी होती है वो भी अच्छी नहीं लगती और ये चटनी जो है वो एज़ यू नो कि चावलों के साथ मेरे बच्चे बच्चे खाएंगे मेरे हस्बैंड रायता खाते हैं मेरे बच्चे बिल्कुल भी रायता खाने वाले बच्चे नहीं हैं वो ये प्याज टमाटर नहीं खाते तो ये चटनी देखें हमारी बिल्कुल रेडी हो गई विद इन मिनट चटनी बना लेने के बाद अब नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई डॉटर फ्रॉम द स्कूल ये व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि मैं अपनी बेटी को ले आई हूँ और इतनी प्यारी बारिश हो रही है इतनी तेज़ बारिश है और सीरियसली पूरे रास्ते में ड्राइव कर रही थी तो इतनी प्यारी बारिश थी एम जस्ट आई जस्ट लव रेन और आपको नजर आ रहा होगा कितनी प्यारी बारिश है कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है और इतनी ज़्यादा थंडर स्टोम्स हैं वाजें हैं और मैं इन्जॉय कर रही हूँ बारिश को बहुत ज़्यादा खैर कभी कभी पाकिस्तान में बारिश होती है स्पेशली द प्लेस लिव बट ये है कि आज तो बड़ा ही प्यारा मौसम है माई फर्स्ट ब्लॉग एंड इट्स मैं आज ये देखूँगी मूवीज़ का नाम है साइलेंस और ये काफ़ी दिनों से नेटफ्लिक्स पे इसके जो है ना ट्रिलर्स आ रहे थे सो so, मैं काफ़ी दिनों से इसका वेट करी थी सो फाइनली टुडे आई बी वाचिंग इट। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों की नेटफ्लिक्स पे कौन सी सीरीज़ या कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा फेवरेट है सो so, व्यूवर्स अभी मैंने मूवी स्टार्ट कर ली है एंड आई विल वॉच दिस मूवी और आप लोगों से सबसे मैं अभी वापस कहने का टाइम आ गया है आज ही मेरा बहुत पहला व्लॉग था सबसे पहला यू नो फर्स्ट व्लॉग था तो थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक्स हो गई तो उसको इग्नोर कर दें एंड अभी मैं देखने लगी हूँ अपनी मूवी एंड इन आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड बेल आइकन को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी व्लॉग अपलोड करूँ तो आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन मिले टेक केयर ऑफ़ सेल्फ अल्लाज